पहली तस्वीर 2019 विधानसभा चुनाव का हलफनामा, दूसरी तस्वीर 2024 चुनाव में दिया गया शपथ पत्र। यही दो हलफनामे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के लिए बड़ा सरदर्द बन सकते हैं, क्योंकि दोनों दस्तावेजों में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र अलग अलग बताई है। 2019 के चुनावी हलफनामे में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 42 साल बताई थी, लेकिन 5 साल बाद बहरेट विधानसभा सीट से दाखिल पर्चे में हेमंत सोरेन की उम्र 47 साल की बजाय 49 साल हो गई। अब बीजेपी पूछ रही है कि हेमंत की उम्र 5 साल में 7 साल कैसे बढ़ गई? हेमंत सोरेन जी किस पाठशाला में 5 साल में उसकी उम्र 2 वर्ष अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है? मैं चुनाव आयोग को इस संज्ञान में देना चाहता हूँ। हलफनामे में दी गई जानकारी पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत की ओर से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन उनकी पार्टी जेएमएम का कहना है कि जो भी जानकारी दी गई वो बिल्कुल सही है। कि हम लोग कुछ न छुपाते हैं न कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, दस्तावेज लगे हुए हैं, दस्तावेजों से ही मिलान होता है, वेरीफाई, हम फर्जी चीजें नहीं डालते एफिडेविट में। लेकिन सिर्फ हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर ही सवाल नहीं उठ रहे, बल्कि बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर अपने शपथ पत्र में संपत्ति की गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया है। ये कैसे संभव है मुख्यमंत्री जी, 5 वर्ष में आपकी आयु 7 वर्ष बढ़ गई। दूसरी बात कि इन्होंने जो प्रॉपर्टीज 2004 और 6 के बीच में खरीदी थी उनका जिक्र इन्होंने 2014 और 19 के एफिडेविट में नहीं किया, अचानक 2024 में इनकी नींद खुली और इन्होंने इसका जिक्र कर दिया, तो क्या शपथ पत्र पे झूठी जानकारी देना एक अपराध नहीं? जेएमएम और उसकी दोनों सहयोगी अपने नेता का बचाव कर रही हैं, लेकिन बीजेपी हेमंत सोरेन के चुनावी पर्चे में अलग अलग उम्र के मामले में चुनाव आयोग से संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।